कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण सम्मान को आगे रखकर चुनाव में कूदने का ऐलान किया है। 28 नगर विधानसभा के प्रभारी व विधायक राजेश मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात को दोहराया। मंगलवार को नगर के एक होटल में कांग्रेस प्रभारी की एक प्रेस वार्ता रखी गई। मुंगेर बिहार से विधायक राजेश मिश्रा ने प्रदेश सरकार को ब्राह्मण हत्या का दोषी बताते हुए आगामी चुनावों में योगी व प्रदेश सरकार को इसका दंड भोगा जाना तय बताया। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के कई ब्राह्मण चेहरे इस मौके पर उपस्थित रहे। देश राज शर्मा, अजय सारस्वत सोनी, अनूप दुबे, अनिल शर्मा काले, अनुराग शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, राहुल शांडल्ले, सोनू शर्मा, सुधीर पाठक सरीखे ब्राह्मण कांग्रेसी प्रमुख रहे। वहीं विनोद गुम्बर, आजम अंसारी, आविद नबी, राजेश पाल आदि ने भी कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और दूसरी बात ये कि आज जो ब्राह्मण को लेके ये मीटिंग हो रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी मान ली जाए। देखिए, मैं राजेश कुमार मिश्रा हूँ और AICC का पर्यवेक्षक बनाया गया हूँ। 28 और 27 विधानसभा मुरादाबाद। मैं आज नहीं आया हूँ, मैं आ गया था 30 तारीख पिछले साल, समझिए 30 तारीख 22 आ गए खीस। तो जब मैं आया तो यहाँ आके मैं हर एक तबके के लोगों से मिला। तो जब मैं अपने ब्राह्मण के जितने भी संस्थान हैं उनमें लोगों से मिला, मैंने ये देखा कि उनके अंदर भी ये चीज़ है कि जितनी भी सरकारें 32 साल में आई हैं उन्होंने ठगने का काम यूज़ किया। जबकि अगर ब्राह्मणों को किसी ने सम्मान दिया है वो है कांग्रेस पार्टी। चाहे वो आप पास्ट ले लें, मतलब पहले की ले लें तो 6 मुख्यमंत्री, वर्तमान में ले लें तो हमारी CLP लीडर है लेडी, वो भी ब्राह्मण कौम से आती है। अगर कोई ऐसी पार्टी हो, सपा बसपा या भाजपा, ये बता दें कि उनके पास कौन ऐसा प्रथम पोजिशन है जिसमें ब्राह्मण बैठे। तो ब्राह्मण की वापसी हमारे घर में होना ही होना है, क्योंकि ये ठगने का। दूसरी बात, मैं एक बात खुल के बताना चाहता हूँ भाजपा और योगी जी को कि आपको ब्रह्म हत्या का दोष तो लगना तय है, क्योंकि भगवान भी नहीं बचे हैं ब्रह्म हत्या के दोष। जो आपने ब्रह्म हत्याएं की हैं उनका दोष लगना तय है। अच्छा, तो ये बताइए, आने वाले जो चुनाव है तो क्या ब्राह्मणों को आगे रख के चुनाव लड़ा जाएगा? जैसे कि आप मीटिंग कर रहे हैं ब्राह्मण को लेके, यहाँ पे हमारे मुरादाबाद के काफ़ी सीनियर और लीडर भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या ब्राह्मण को वोट खींचने का जरिया मान लिया जाए? ब्राह्मण तो है ही कांग्रेस में, ब्राह्मण तो और भी पार्टियों में है, तो क्या उनको भी घर वापसी उनकी भी हो सकती है? सबकी होगी निश्चित, कोई डाउट नहीं उसमें। और जो कहते हैं चेहरा, प्रियंका गांधी क्या है? गांधी परिवार ही पूरा ब्राह्मण है, क्या है चेहरा जो आगे है हमारा? तो आप ये चीज यूपी के सभी वर्ग के, मैं तो ब्राह्मण बोल रहा हूँ, ये सभी वर्ग को एक मतलब खुश नसीब है यूपी के लोग जिनको गांधी परिवार का डायरेक्ट रिलेशन मिला है। प्रियंका जी डायरेक्ट फ्रंट पे आई है, किसी नेतृत्व मिला है और किसी स्टेट को नहीं मिला है किसी राज्य। तो यूपी वालों को, मतदाताओं को खुल के आगे आना चाहिए। मैं तो अपील करूंगा।